आजादी शब्द ही बहुत चमत्कारी, खूबसूरत, मनमोहक है। हम सभी आजाद रहना चाहते हैं, नियमों से परे, कानूनों से परे। हम कोई भी नियम या कानून पसंद नहीं करते हैं। किसी प्रकार का नियंत्रण अपने जीवन में, अपने ऊपर कोई भी पसंद नहीं करता है। सभी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी जिसमें ना कोई रोक टोक हो, ना कोई नियंत्रण हो। क्या आप सबको लगता है कि ऐसी आज़ादी के साथ हम आसमान की ऊंची उड़ान भर सकते हैं, ऊंची बुलंदियों को पा सकते हैं? नहीं, यह सिर्फ एक सुखद स्वप्न हो सकता है, जैसे एक कटी हुई पतंग जिसका नियंत्रण जैसे ही खो जाता है, डोर स्वतंत्र हो जाती है। वो थोड़ी देर तो आसमान में उड़ाने भरती है, लेकिन उसके बाद जमीन पे गर्त पे आ जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है। उसी प्रकार से प्रथम दृष्टवा हमें भी ये लगता है कि शायद डोर उसको नियंत्रण कर रही है, उसकी सहयोगी नहीं, उसकी विरोधी है। उसकी ऊंची उड़ान भरने में वो अवरोध पैदा कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें समझ में आता है कि नियंत्रण के साथ ही उसे सही दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, ये डोर ही निर्भर करती है। हम भी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ, अपने संस्कारों, अपने परंपराओं के साथ, अपनी आज़ादी के साथ आराम से अपनी मंजिलें पा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि यदि हम भी अपनी जिम्मेदारियां और परंपराएं, संस्कारों को निभाते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार से जुड़ के, अपने अपनों से जुड़ के, तो हमें भी सफलता प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। हम सफल जरूर होंगे, आसमान की ऊंची उड़ान जरूर भरेंगे। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने, शायद बहुत सारी महिलाओं ने इस बारे में देखा होगा, उसमें सोचा होगा कि नंदिनी कायस्थ महिला क्लब इंदौर का जो लोगो है उसमें एक दीपक जलता हुआ है। कितना अच्छा उदाहरण है, सटीक उदाहरण है कि जब जलता हुआ दीपक अपने आप को नियंत्रण में रखता है, हवा से बचाते हुए थोड़ा से नियंत्रण में रहता है, लेकिन खुद भी प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, रोशनी देता है, उजाला फैलाता है, अंधकार को दूर करता है। एक छोटा सा दीपक भयंकर अंधकार में भी कितना बड़ा काम कर जाता है।